बचे हुए चावल और आलू से बनाएंगे बिल्कुल नए तरीके का पापड़। स्वागत है आपका इंडियन फूड्स विद उषा में। तो चलिए झटपट बनाना शुरू करते हैं। एक कटोरा दिन का बचा हुआ चावल, इसकी जगह पर आप रात का भी चावल का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि जो रात में चावल बचता है उसका भी यूज कर सकते हैं। यहाँ हमने दो कच्चे आलू का छिलका हटाकर पानी में भिंगो कर रख दिया था ताकि ये काला न पड़ने पाए। और ये लाल आलू है, इसकी जगह पर आप सफ़ेद आलू का भी प्रयोग कर सकते हैं। आलू को चार टुकड़ों में काट लेंगे इस तरीके से, और आलू काटने के बाद इसे पानी में डालकर अच्छी तरीके से धुल देंगे, पानी को छानकर हटा देंगे। चावल को प्रेशर कुकर में डाल देते हैं, हाथ से फोड़ते हुए डालेंगे। जैसे ही चावल ठंडा हो जाता है, इसमें काफ़ी गुठलियाँ आ जाती हैं, तो इस तरीके से आप चावल को फोड़ करके तब डालें। आलू को डाल देंगे, बराबर कर देंगे, और जितना हमने चावल लिया था उतना ही पानी डालेंगे। चावल पहले से ही पका हुआ है, केवल आलू को पकाने भर इसमें हम पानी डालेंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो चावल चिपचिपे हो जाएंगे। थोड़ा सा नमक डाल देंगे, आधा चम्मच देसी घी डालेंगे, प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे और गैस पर इसे हम गैस चलाकर रख देंगे, एक सीटी आने तक पकाएंगे। बस एक सीटी आने तक ही पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। ढक्कन खोल देंगे, आलू को चेक कर लेंगे। तो आलू एक छोटा टुकड़ा एक बड़ा टुकड़ा भी हो जाता है, तो इस तरह से हम दो आलू को चेक करके देख लेंगे। और इसे हम गर्मा गर्म, यानी कि जैसे ही ये गर्म रहेगा इस तरह से इसे अच्छी तरीके से मैश कर देंगे। ठंडा होने के बाद इसमें बहुत सारी गुठलियाँ आ जाती हैं, तो इसे आप गर्मा गर्म ही मैश कर इस बात का ध्यान रखें। और इसे हम इस सिलबट्टे पर पीसेंगे। आप चाहे तो बड़ी सी थाली में रख करके और कटोरे से अच्छी तरीके से मैश कर सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा देसी घी लगा देंगे। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन देसी घी से क्या होता है कि पापड़ हमारे चिपचिपे नहीं बनते हैं, पीले नहीं बनते हैं, और सूखने के बाद यानी कि स्टोर करने के बाद उसमें से स्मेल नहीं आती है। अब हम ये आलू और चावल के मिश्रण को सिलबट्टे पर रख देंगे और इस तरह से इसे रगड़ते हुए पीसेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जितना इसे हम अच्छी तरीके से पीसेंगे ना, उतने ही अच्छे हमारे पापड़ बनेंगे। इससे क्या होगा कि आलू और चावल अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और इसमें काफ़ी चिपचिपाहट आ जाएगी, और जब मैं लोई बनाऊंगी तो काफ़ी लोई चिकनी बनेगी। तो इस तरीके से एक बार इसे आप चेक कर लें। अगर आपको लग रहा है कि आलू के टुकड़े हैं तो आप इसे दोबारा पीस लें, और पीसने के बाद सबको इकट्ठा करके इस तरीके से हम एक बार और पीस लेंगे। पूरे चावल को हमने पीस लिया। एक थाली में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल या देसी घी लगा करके ग्रीस कर लेंगे ताकि ये चिपकने न पाए, और थोड़ा सा इसमें नमक और डाल देते हैं। नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। एक छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स या कुटी हुई लाल मिर्च, सबको अच्छी तरीके से मिला देंगे। तो क्या होता है कि कभी कभी लोग मसाले डालने के बाद इसे पीसते हैं तो पापड़ का कलर जो है लाल या पीला हो जाता है, लेकिन आप जब पीस लें तब इसमें मसाले डालेंगे तो ये सफ़ेद ही रहेगा। थोड़ा सा ऑयल या घी लगा के इस तरीके से चिकना करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा सा, और अच्छी तरीके से सब में मिला लेंगे। और इस बर्तन में सबको हम उठा लेंगे या इकट्ठा कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें घी डाल देते हैं और इसे आटे की तरह गूंथ लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ हमने कमरे में ही मेज़ पर प्लास्टिक सीट को बिछा करके रखा हुआ है और पापड़ इसी पर हम बनाएंगे। अगर आपके छत पर अच्छी धूप आती है, वहाँ धूल मिट्टी नहीं है, तो आप इसे छत पर भी बना सकते हैं। इसे मैं छांव में बना रही हूँ। हाथ पर थोड़ा सा इस तरह से ऑयल लगाएंगे और एक बड़े साइज़ के नींबू के बराबर पेड़ा या लोई काटेंगे। तो आप पापड़ बनाने के पहले 8 से 10 लोई बना करके तैयार कर लें और उसे ढक कर रख दे ताकि उस पर पपड़ी न पड़ने पाए, फिर पापड़ बनाए। तो मैं 3 ही लोई बना करके तैयार करूँगी। 3 लोई को हमने बना लिया, चिकना कर लिया। अब एक लोई को हम दोबारा से चिकना करेंगे, प्लास्टिक सीट पर रखेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा प्लास्टिक सीट यानी छोटा सा प्लास्टिक सीट रखेंगे और इस तरीके से इसे हम दबा देंगे। एक बार दबाने के बाद चेक कर लेंगे, काफ़ी मोटा लग रहा है तो इस तरह से हम इसे बड़ा कर लेंगे। एक पापड़ हमारा बन करके तैयार हो गया, दूसरा लोई भी इसी तरीके से रखेंगे। तो क्या होता है कि पापड़ बहुत ज़्यादा अगर आप बड़ा बना देते हैं तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा तेल की आवश्यकता होती है, और उसे छानने के लिए हमें बहुत ज़्यादा तेल रखना पड़ता है और गर्म करना पड़ता है। और कम छोटे पापड़ बनाते हैं अगर, तो कम तेल में ही ये पापड़ बन करके यानी कि छान करके आप निकाल लेते हैं। तो पापड़ अगर आपको लग रहा है कि ये मोटा है तो इस तरीके से आप इसे फैला करके थोड़ा सा बड़ा कर दें। तीसरा पापड़ भी बना लेते हैं।
तो बड़े पापड़ में क्या होता है कि पापड़ जैसे ही सूखते हैं वो टूटने लगते हैं, और छोटे पापड़ जो होते हैं काफ़ी मोटे होते हैं तो उसको पकने में यानी कि सूखने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो आप मीडियम साइज़ के पापड़ बनाएं। अगर आपके पास पापड़ बनाने वाली मशीन है तो इस तरह से आप मशीन का भी यूज कर सकते हैं। मशीन के ऊपर प्लास्टिक सीट रखें, लोई रखें, उसके ऊपर प्लास्टिक सीट रखें, थोड़ा सा प्रेशर देते हुए इस तरीके से आप पापड़ बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल मार्केट की तरह ये पापड़ बन करके तैयार हो जाएगा। इवनली एक बराबर, कहीं से मोटा नहीं है, कहीं से पतला नहीं है, और इसे हम इस तरीके से फैला देते हैं। तो ये पापड़ पंखे की हवा में, अगर गर्मी है तो एक दिन में सूख जाता है, अगर ठंडक है तो दो दिन लगता है। तो इस तरह से एक बड़ी सी लोई लेंगे, बड़े बड़े पापड़ बना रहे हैं हम, थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे या घी लगाएंगे, प्लास्टिक सीट पर रखेंगे बीचों बीच, एक प्लास्टिक सीट से ऊपर से आधे से ही हम कवर कर लेंगे, और इस तरह से इसे थोड़ा सा हम दबा देंगे या प्रेशर देंगे तो ये पापड़ हमारा बन करके तैयार हो जाएगा। तो ये हमने कुछ बड़े बड़े पापड़ बनाकर तैयार कर लिया है। मार्केट वाला ये पापड़ है और बिल्कुल मार्केट की तरह ही देखने में भी लगता है और खाने में भी लगता है। इसे फैला देते हैं। तो जब भी आप पापड़ बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें आप उसमें सरसों तेल का प्रयोग न करें और पीसी हुई लाल मिर्च का प्रयोग न करें। उससे क्या होगा, पापड़ पीले बनेंगे और बहुत जब तीनों तक आप उसे स्टोर करके रखेंगे तो चिपचिपे से हो जाएंगे और उसमें से स्मेल भी आने लगती है। और इस तरह के जो पापड़ आप बनाएंगे बिल्कुल सफ़ेद पापड़ बनाएंगे, स्मेल नहीं आएगी और चिपचिपाहट नहीं होगी और काफ़ी सॉफ्ट बनेंगे और सफ़ेद बनेंगे। तो ये देखिए हमने मशीन से ये तीसरा पापड़ भी बना लिया बिल्कुल बराबर सा, और सारे पापड़ को हमने बना लिया और इसे मैंने पंखे की हवा में ही सूखने के लिए छोड़ दिया है, और मैं इसे एक दिन इस तरह से रखूँगी, इसके बाद धूप में एक दिन सुखा लूँगी। और ये हमारे पापड़ बन करके तैयार हो गए हैं, काफ़ी सफ़ेद हैं और काफ़ी खिले खिले हैं। तो इसको हमने छाया में ही सुखाया है, बस एक दिन हमने धूप में सुखाया। तो जब भी आप पापड़ सुखाएं तो उसे बहुत ज़्यादा दिन तक धूप में ना सुखाएं। उससे क्या होगा, पापड़ को जैसे ही आप तेल में डालेंगे ना वो बिल्कुल लाल से हो जाते हैं। चलते हैं इसको फ्राई करते हैं। गैस चलाकर कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म करेंगे। जैसे ही गर्म हो जाएगा आँच धीमी कर देंगे, पापड़ को डाल देंगे एक तरफ। जैसे ही ये फूल जाएगा इसे हम इस तरह पलट देंगे और इस तरह से दबाते हुए इसे हम बराबर कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे बिल्कुल सीधे सीधे सफ़ेद और काफ़ी सॉफ्ट से पापड़ बन करके तैयार हो गए। इस तरीके से आप दूसरे पापड़ को भी फ्राई कर लें या छान लें। तो इसे आप कम तेल में भी फ्राई कर सकते हैं या छान सकते हैं, और ज़्यादा तेल में भी आप फ्राई कर सकते हैं और छान सकते हैं। तो इसे हमने दूसरा पापड़ डाल दिया। आप चाहे तो इसे ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप इसे माइक्रोवेव में भी फ्राई कर सकते हैं या रोस्ट कर सकते हैं, यानी कि ऑयल से भी आप खा सकते हैं और बिना ऑयल के भी इसे आप खा सकते हैं। सारे पापड़ को हमने तल लिया या फ्राई कर लिया, और आप देख सकते हैं कितने सीधे सीधे हमारे पापड़ बन करके तैयार हैं, काफ़ी सफ़ेद बने हुए हैं। किनारे से ये थोड़ा सा टूट भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि आपके पापड़ थोड़ा बहुत नहीं टूटेंगे, थोड़ा बहुत तो टूट ही सकते हैं, लेकिन ये पापड़ काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। ये देखिए मैं तोड़ करके दिखा देती हूँ, और आप इसे 7 से 8 महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये पापड़ कभी ख़राब नहीं होते, पीले नहीं पड़ते और चिपचिपाहट नहीं इसमें आती। बस छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान देना होता है। जब भी पापड़ को स्टोर करें आप उसे पेपर में लपेट करके स्टील के कंटेनर में भर कर रखें, और जब उसे धूप दिखाना हो तो उस कंटेनर को आप धूप में रखें, पापड़ को बाहर निकाल करके ना सुखाएं। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।